हमने मैंने कहा कि भैया साहब नशे में जितना भ्रष्टाचार हुआ है एक एक भ्रष्टाचार तैयार है उन अधिकारियों को जेल भेजने के जो अपने लोग काम नहीं करते हैं बीडीओ सीओ प्रताड़ित करते हैं कि नहीं कर रहे किसकी शह में प्रताड़ित करते हैं मुख्यमंत्री की शह पर मुख्यमंत्री को खुश रखने के लिए जनता को दुखी किया जाता है हर एक अधिकारी को अगली लोजपा की सरकार में जवाब देना होगा कि क्यों केंद्र राज्य की सरकार की बिहार सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं चलती फिर साथियों इसलिए हम सबको एकजुट होना होगा एक साथ होना होगा और अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता मुझे आप सबको आशीर्वाद चाहिए होगा चाची मिलेगा आप कहकर आशीर्वाद दीजिए चाची आज सुबह हम सीतामढ़ी गए थे हम अपनी प्रतीक हैं और हम चाहते हैं कि जैसे अयोध्या मैं चाहता हूँ कि एक कॉरिडोर बने सिया राम कॉरिडोर बने छह लेन का अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी तक जो जो भगवान राम के दर्शन करने जाए यहाँ सीतामढ़ी आए माता सीता के दर्शन करे हम सब जानते हैं साथियों भगवान राम बिना माता सीता अधूरी है माता सीता बिना भगवान राम अधूरे हैं तो दोनों का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए कि नहीं इसके लिए मैं संकल्पित हूँ आज मैं प्रण लेकर आया हूँ सीतामढ़ी से कि अगली लोजपा की सरकार में बिहार जो मेरी आस्था है उसका तो सवाल है पर सोचिए जब भव्य सीता मंदिर का निर्माण होगा तो पर्यटन कितना बढ़ेगा सोचिए दूर दराज से देश विदेश से पर्यटक आएंगे यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे होटल खोलेंगे यहाँ पर निवेश होगा MNCs आएंगी और हमारे युवा साथियों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा राजस्व बढ़ेगा इसके लिए हम लोग को पर्यटन को भी बनाना पड़ेगा परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर